Now, I welcome all of you viewers in my channel. From today, we are going to start a new session, that is paper reading session. Viewers, आज से एक नया session हम शुरू कर रहे हैं, paper reading session. इसका purpose या उद्देश्य है English भाषा के प्रति अपनी मजबूती. वैसे तमाम लोग जो English paper पढ़ना चाहते हैं या English भाषा को समझना चाहते हैं, या वैसे लोग जो किसी भी कंपटीशन में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बना रहे हैं, पैसेज को समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सिनोनिम और एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद ही फायदेमंद है. एक व्यापक उद्देश्य से मैं ये सेशन शुरू करने जा रहा हूं, ताकि जो भी इसके व्यूवर्स हैं, किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो व्यवसायी वर्ग के हो, या विद्यार्थी हो, या तमाम वैसे शिक्षाविद या वैसे लोग जो अंग्रेजी भाषा से संबंध रखते हो, या उनका एक लक्ष्य हो अच्छी इंग्लिश को प्राप्त करना, तो एक व्यापक उद्देश्य के मद्देनजर ये सेशन शुरू कर रहे हैं हम यहां से, पेपर रीडिंग सेशन, ताकि इंग्लिश भाषा को हम व्यापक रूप में समझ सकें. यह हमारा पेपर रीडिंग सेशन का पहला पार्ट है और यह हमारा नियमित रूप से चलता रहेगा. हमने पेपर का एक पार्ट लिया, पेपर रीडिंग का. आइए, पीएम वाराणसी टूरिस्ट फिगर्स टॉप 10 करोड़ लेवल, बिग बूस्ट टू इकोनॉमी. प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस में जो पर्यटन का आंकड़ा है, ये 10 करोड़ के सतह से भी ऊपर जा चुका है. बिग बूस्ट टू इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़ा मजबूती है. बूस्ट का मतलब होता है मजबूती, और बूस्टर मतलब मजबूती प्रदान करना. प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि वाराणसी में जो पर्यटन का आंकड़ा है, फिगर है, वो 10 करोड़ के सतह से ऊपर आ चुका है. फिगर्स का मतलब होता है आंकड़ा. आइए, टूरिस्ट फुटफॉल, एक यहां वर्ड है फुटफॉल. फुटफॉल का मतलब होता है पर्यटकों या आगंतुकों की संख्या. अ नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ ए प्लेस, अ नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ ए प्लेस, किसी खास जगह पर आने वाले पर्यटक या आगंतुक जो किसी खास समय के अंतर्गत आते हैं, दैट इज कॉल्ड फुटफॉल. टूरिस्ट फुटफॉल इन वाराणसी, बनारस में पर्यटकों की संख्या हैव क्रॉस्ड 10 करोड़ अ ईयर, एक साल में ही 10 करोड़ पार कर चुकी है. हेराल्डिंग का मतलब होता है घोषणा करते हुए, व्यापक रूप से बताते हुए, या लोग उजागर करते हुए. किसी भी चीज को जब पब्लिकली बताया जाए, लोग उजागर किया जाए, दैट इज कॉल्ड हेराल्डिंग. हेराल्डिंग नॉट ओनली अ कल्चरल रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, और कल्चरल रेनेसेंस का मतलब होता है सांस्कृतिक पुनर्जागरण. इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री ने बताया, घोषणा की सार्वजनिक रूप से बताया कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, नहीं बल्कि बट ऑल्सो क्रिएटिंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है व्यापक प्रभाव, कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट. यह एक वर्ड है हमारे पास, कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है व्यापक प्रभाव. टेम्पल टाउन इकोनॉमी एंड जनरेटिंग सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट, जो मंदिरों के शहर में न सिर्फ नौकरी के मौके उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं. फॉर द पुअर, गरीबों के लिए. पीएम मोदी सेड ऑन संडे, प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा, इन हिज मंथली रेडियो ब्रॉडकास्ट, मन की बात, अपने मंथली यानी हर महीने जो वो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता है मन की बात, उसी के तहत मोदी सेड, द नंबर ऑफ डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब होता है भक्त, विजिटिंग अयोध्या, जो अयोध्या आ रहे हैं, मथुरा एंड उज्जैन, मथुरा और उज्जैन, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली, उनकी भी संख्या तेजी से बढ़ रही है. रैपिडली का मतलब होता है तेजी से. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से,
The livelihood of lack of poor, livelihood का मतलब होता है जीवन यापिका, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जीवन यापिका और poor is being taken care of, यानी कि वैसे गरीब जो लाखों की संख्या में है उनकी जीविका का भी ध्यान रखा जा रहा है. All these are the result of our collective cultural awakening. ये जो भी परिणाम है ये हमारे सामूहिक सांस्कृतिक जागरूकता के परिणाम है. The meaning of awakening जागरूकता. Now people from all over the world, अब सारी दुनिया के लोग are thronging away our pilgrimage sites for darshan. ये थ्रॉन्ग का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना. पिलग्रिमस का मतलब होता है तीर्थ यात्रा. साइड मतलब दृश्य. अब जो वाराणसी शहर है यहां पर एक सामूहिक प्रयास के जरिए, सामूहिक सांस्कृतिक जागरूकता के जरिए एक बड़ी संख्या में पूरे विश्व से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये विश्व स्तर पर एक धार्मिक स्थल बन चुका है. स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कुछ खास वर्ड पढ़े, जैसे आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फुटफॉल की. ये फुटफॉल क्या होता है? फुटफॉल होता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट अ प्लेस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. किसी खास समय के दौरान किसी खास जगह पर जाने वाले लोगों की संख्या. हम दूसरा वर्ड लेते हैं हेराल्डिंग. हेराल्डिंग वर्ड हमारे पास है. हेराल्डिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन. जब सामूहिक रूप से किसी चीज को बताया जाए, दैट इज कॉल्ड हेराल्डिंग. ये वर्ड बना है हेराल्ड से. हेराल्ड का मतलब होता है औपचारिक रूप से जानकारी या सूचना देना. अ पर्सन हु अनाउंसेस इंपॉर्टेंट न्यूज. एक समाचार पत्र भी काफी लोकप्रिय था, नेशनल हेराल्ड. हेराल्ड का मतलब होता है औपचारिक रूप से जानकारी या सूचना देना. अब एक वर्ड हमारे पास यहां पर है जो हमने यूज किया, वो वर्ड था हमारा रेनेशंस. रेनेशंस वर्ड हमने जो बताया यहां पर, रेनेशंस का मतलब होता है पुनर्जागरण. इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं रेनेशंस को, अ रिवाइवल ऑफ रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग. अगर कोई भी चीज का रिवाइवल हो, खासकर ये सांस्कृतिक क्षेत्र में ज्यादा यूज होता है, किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में जब कोई रिन्यूअल हो, रिवाइवल हो, दैट इज कॉल्ड पुनर्जागरण. फिर हमने एक वर्ड लिया यहां पर खास, कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है व्यापक प्रभाव, अ कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट. फिर हमारे पास एक और वर्ड था यहां पर थ्रॉन्गिंग. थ्रॉन्ग का मतलब होता है टू गैदर इन लार्ज नंबर. इस तरह हमने वर्ड पावर को भी इंक्रीज किया यहां पर, और साथ ही साथ हमने इस पेपर को समझने की कोशिश भी की. यह हमारा पहला प्रयास है. आने वाले सेशंस में हम इसको और ज्यादा व्यापक रूप से आपके सामने लेकर आएंगे. थैंक यू वेरी मच.